global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मानानी एंटरप्राइज और बेसिकली आई एम प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर. तो मैंने ये गाना लॉन्च किया है अखियो से बोली, और इसके पहले मैंने लॉन्च किया मेरा नाम रख लेना, जिसको गाना गाया है देवराज सागर जी ने और म्यूजिक डायरेक्टर है असली एम जी जी और डायरेक्ट किया हुआ है VFX और कोरमा पे हर्ष मिश्रा जी डायरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर और हमारे एक पार्टनर है स्टे फिट विद दिशा जैन जो फिटनेस ट्रेनर है जो म्यूजिक के साथ तालमेल हुआ है. तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और जो हमारे यहाँ अब नहीं आ सके हाजिर हो सके ड्यू टू लॉकडाउन, तो वो इस समय हाजिर नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन उनका भी मैं शुक्र गुजार हूँ. बेसिकली मेरा नाम हर्ष मिश्रा है, मैं पेशे से एक डायरेक्टर हूँ और विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर हूँ और बहुत सारे वेब सीरीज और टेलीविजन शोज में एज ए VFX सुपरवाइजर डायरेक्टर काम किया है. और अभी लॉकडाउन के दौरान ये मौका मिला है कि मैं एक म्यूजिक वीडियो पे काम करूं जो कि बहुत खूबसूरत तौर से बना है और बहुत प्यार मिला है ऑडियंस का. मेरा नाम रख लेना जो कि बहुत रोमांटिक सॉन्ग है जो अभी भी बहुत ट्रेंडिंग में है और साथ ही साथ हम अभी जल्द ही दूसरा गाना रिलीज करने वाले हैं अखियों से बोली. अखियों से बोली मैंने बहुत इंटरेस्टिंग और एक पावरफुल सॉन्ग आप लोग को देखने मिलेगा, कल वो रिलीज हो रहा है. तो निकेश जी और हर्ष जी की बहुत मेहनत इसमें अभी आपको दिखेगी, तो सब लोग जरूर देखना ये गाना. मेरा नाम अमोद दोषी, मैं इन दोनों सॉन्ग्स के लिए मेकअप आर्टिस्ट का काम कर चुका हूँ और बहुत प्रिकॉशन के साथ हम लोगों ने ये शूटिंग कंप्लीट की है. अपना डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स थे इनका काफ़ी सारा इसमें सहयोग हुआ है और पूरा गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हम लोग ने फॉलो करके ये सॉन्ग्स को शूट किया है. तो आप जरूर देखना है कल से सॉन्ग. लॉकडाउन में कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से लोग बोर हो रहे थे घर पे, तो मैंने सोचा कि एक रोमांटिक सॉन्ग लाया जाए ताकि लोगों को घर पे बैठे सुन के मजा आए और जिससे कि उनके ये बोरिंग वगैरह सब निकल जाए. और तो मेरे पास म्यूजिक डायरेक्टर जी आए और सिंगर साहब आए, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसे बनाया जाए और लोगों को मनोरंजन दिया जाए. तो मैंने इसको प्रोड्यूस और फाइनेंस किया और उनका धन्यवाद देना चाहूँगा इस दिशा जी का, जो दिशा जैन स्टे फिट विद दिशा है जो एक फिटनेस ट्रेनर है, और अमोद जी जो इंडस्ट्री के काफ़ी पुराने मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और देवराज जी का धन्यवाद, असली एमजी जी का धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद काजल म्यूजिक का देने जाऊंगा जो रिलीज कर रही है, प्रेजेंट कर रही है हमें. और इस दौरान हम लोग ने कोरोना महामारी के दौरान हमने ये सॉन्ग लाया और अब मैं ला रहा हूँ पार्टी सॉन्ग. इसी के साथ साथ मैं और कई सारे एल्बम ला रहा हूँ जो कोरोना महामारी के दौरान आपको सुनने में मनोरंजन आएगा और आपको घर बैठे बैठे सुनने का आनंद मिलेगा. शूटिंग कहाँ कहाँ हुई डॉक्टर बताएंगे कब? बेसिकली हमने कुछ तो डेफिनेटली सेट्स यूज किए हैं जो, लेकिन हमने बहुत प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किए, पर मोस्टली वी हैव यूज्ड क्रोमा क्योंकि बीइंग अ विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर तो वो एक बहुत सेफेस्ट तरीका है शूट करने का और जिसमें आइसोलेशन प्रॉपर मिलती है. तो हमने प्रिकॉशंस लेके शूट किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जब आप गाना देखेंगे तो आपको बहुत ही फोटो रियलिस्टिक गाना लगेगा. ये शूटिंग जो सारे बंद थे, लोग नहीं मिल रहे थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा क्योंकि मजदूर भी नहीं थे, लाइटमैन नहीं मिल रहे थे, ये सब कैसे मैनेज हुआ, कैसे कुछ हुआ? देखिए जितना तो हमने कोशिश करा है कि जितना हमारे पास टीम यहाँ पे अवेलेबल थी उनकी हेल्प ली है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उनका टीम का, लेकिन अभी ऐसे मौके पे कई बार हम लोग को वन मैन आर्मी बनना पड़ता है. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम डायरेक्टर है तो हम डायरेक्टर ही बने रहेंगे, लेकिन हमें और भी XYZ काम करने पड़ते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश कर सके. आखिरकार प्रोजेक्ट अपना ही अच्छा और साथ ही साथ सपोर्ट रहा भी है हमें अपने फिटनेस ट्रेनर दिशा जी का भी, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग था जो हमें और मोटिवेट किया चीजों को आगे करने के लिए. आर्टिस्ट की बात करें तो कौन कौन आर्टिस्ट है, क्या है आर्टिस्ट? बेसिकली हमने बहुत फ्रेशर्स को यूज किया, टू बी ऑनेस्ट अभी एकदम से हमें एकदम आर्टिस्ट मिल नहीं सकते लॉकडाउन के दौरान,
तो जो फ्रेशर्स जिन्होंने एक वॉलंटरी सपोर्ट दिखाया हमें कि हम आना चाहेंगे, वी हैव टू परफॉर्म, वी वुड लाइक टू परफॉर्म, तो हमने भी कहा कि ठीक है, लेट्स डू अ चांस विद द न्यू पीपल, जो कि बहुत ही अच्छा आउटकम पाया उसके लिए। शूटिंग की बात करो, शूटिंग मेरे ख्याल से अभी अक्षय कुमार थे फ्लोर पे, कुछ दिन पर देखा होगा आपने। अब आपकी बात कर रहे हैं आप, लग रहा नहीं क्या क्या होगा फ्यूचर, क्या है ये? देखिए, नो डाउट कोरोना जो है एक बहुत बड़ी निराशा है, जो कि पूरा देश और पूरी दुनिया इस चीज से जूझ रही है, नो डाउट। लेकिन हाँ, इससे इंसान की लाइफस्टाइल जरूर बदल जाएगी, और जो कि एक महीने में बहुत अच्छी भी चीज है, क्यों, ताकि हम अपने आप को हाइजीनिक रखें, अपने यूनिट को हाइजीनिक रखें करने के लिए। पर वही है कि अब हम नए सिरे से एक नई जिंदगी देखेंगे। अच्छा, हर वीडियो की कहानी होती है जी, इसकी कुछ कहानी कुछ है, क्यों क्यों बोली? जैसे पहला गाना हमारा जो मेरा नाम रख लेना जो सॉन्ग था, वो एक रोमांटिक सॉन्ग है। तो उस रोमांटिक सॉन्ग में ऐसा नहीं कि वो हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग है, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग विद अ पेन आल्सो। तो डेफिनेटली जिन जिनको प्यार हुआ है, जिनको इश्क हुआ है, वो इस चीज को समझ सकते हैं, और वो ही इस गाने का दर्द ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जहां हम बात करते हैं पार्टी सॉन्ग का, तो अभी लॉकडाउन में सब बेचारे जो पार्टी एनिमल्स है वो सब घर में बंद है अभी, तो एटलीस्ट वो घर में ही चला के इसको एंजॉय कर सकते हैं, ताकि पार्टी सॉन्ग है जब तक लॉकडाउन है। जैसे खुलेगा तो मैं आशा करता हूँ कि अच्छे क्लब्स और डिस्क में भी अभी गाना सुनने मिलेगा। मैं देश वासियों से अपील करना चाहता हूँ, हमारे कोरोना महामारी के दौरान आप घर बैठे स्टे होम, स्टे सेफ, और घर बैठे बैठे ये गाना सुनिए, और मनोरंजन दीजिए, आपका आशीर्वाद ही हमें हमारा सपोर्ट है। और मैं चाहता हूँ कि आप गाना सुने और हमें आशीर्वाद दीजिए और लाइक्स और व्यूज बढ़ाइए। ये गाना कल 7 बजे रिलीज हो रहा है यूट्यूब चैनल पे, काजल म्यूजिक और माधानी एंटरप्राइज। जब मैं नंबर नहीं छेड़ रहे आप, तो ऐसे कुछ नहीं मिल रहा है, ना क्लब में जाने मिल रहा है, ना डांस करने मिल रहा है ऊपर से आप। सर, ये कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है, तो उसमें हम एज पर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं और उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो अभी कुछ और भी लॉन्च करें, सुना हमने कुछ आगे भी कुछ तैयारी है आपकी लॉन्च करने की? मैं कई एल्बम लाने वाला हूँ, और कोरोना महामारी लॉकडाउन के पीरियड में मैं नहीं नहीं करके भी 10 एल्बम लॉन्च और आगे करने वाला हूँ। कोई ऐसा गाना भी है जो लॉकडाउन और कोरोना पे आधारित होगा, कुछ प्लान से कुछ किया आप लोगों ने? नहीं, अभी तक कुछ प्लान नहीं किया, पर हाँ, हमारा विचार है लॉकडाउन पे भी एक गाना करें हम। आगे हम लोग सोच रहे थे कि एक बढ़िया सैड सॉन्ग लेंगे, अभी एक रोमांटिक के साथ एक पार्टी हो गया, पार्टी के साथ अब एक सैड सॉन्ग लाने का विचार है हमारा। आर्टिस्ट वगैरह सब नए न्यू कमर को चांस वगैरह किस तरह से? सर, न्यू कमर को इसमें हम जरूर चांस देंगे, एक बार लॉकडाउन खुल जाए तो हम जरूर सबको चांस देना चाहेंगे। तो ये ऑफिस है, इसमें यहाँ पे क्या क्या होता है, कुछ क्या क्या? सर, ये हमारा एक प्रोडक्शन हाउस ऑफिस बनाया है, और इसमें प्रोडक्शन हाउस का हमारा इंटरनल एडिटिंग वगैरह वीएफएक्स वगैरह का काम चलता है। तो कब से शुरू, अभी लॉकडाउन तो बंद है, तो क्या प्लान्स, कुछ प्लान्स किया आपने? गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के हमको गाइडेंस मिल जाएगी, वैसे ही ऑफिस फिर से वापस शुरू कर देंगे। ओके सर, और जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? जी, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा, सबसे पहली चीज कि जो भी हम वीडियोस अभी रिलीज हुई है हमारी मेरा नाम रख लेना, और जब होने वाली जो है अक्षयों से गोली मारे, ये हमने एक तो बहुत प्रेम और बहुत मेहनत से बनाई है, हमारे पूरी टीम है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लॉकडाउन के लिमिटेशंस में जितना बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। ऑब्वियसली जब कम सुविधा में आपको जब चीजें होल करनी पड़ती है, तो वो बहुत मुश्किलों के साथ होती है, तो हमने जितना कर सकते थे हमने अपना बेस्ट किया, और उम्मीद करते हैं कि आपको और अच्छा लगेगा जब लॉकडाउन खुलेगा, तो उम्मीद उससे भी ज्यादा अच्छा।